हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद अरफान नायक। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे लेह बाय एंड्रयू हार्वे। ये लेसन जो है जेके बोस 12th क्लास इंग्लिश का फोर्थ लेसन है। इसकी जो क्वेश्चंस हैं हमने डिस्कस कर दिए हैं, वो आपको आई बटन में मिलेगा। आई बटन पे देखिए, वहाँ पे आपको मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं या आप मेरे चैनल पर जाके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। टेक्स्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। अगर आपको जेके बोस के रिलेटेड कोई भी वीडियोस चाहिए, चाहे रिजल्ट के बारे में जानना हो, चाहे डेटशीट के बारे में जानना हो, एडमिशन के बारे में जानना हो, जेके बोस के कोई भी एग्जामिनेशन फॉर्म के बारे में जानना हो, तो आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। वहाँ पर एक लिंक दिया हुआ है चैनल का, विशाल बाबू VISHALBABU। उस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है और वहाँ पर आपको हर तरह की वीडियोज़ मिलेंगी जेके बोस के रिलेटेड, चाहे वो जेके बोस का सिलेबस चेंज होना हो, चाहे जेके बोस का कुछ भी जेंट के बोर्ड का हो, वो आपको वहाँ पे मिलेगा। अब हम टेक्स्ट को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ले जो है ये एंड्रयू हार्वे ने लिखा है, और यहाँ पे जो स्टार्ट होता है टेक्स्ट, जब जो एंड्रयू हार्वे है वो लेह में गया है, वो लेह में जाके उस एक इटालियन गर्ल के साथ गया है, और इटालियन गर्ल उससे पूछती है यहाँ लेह में क्या है। उसके बाद जो है एंड्रयू हार्वे बोलता है लेह के बारे में, लेह कैसा ब्यूटीफुल है, ये लेह कैसा खूबसूरत है, इसकी लैंडस्केप कैसी है, ये सब डिस्क्राइब करता है एंड्रयू हार्वे, जो कि इसका राइटर है। व्हाट डू यू थिंक ऑफ लेह, द इटालियन गर्ल आस्क्ड मी। तो बोलता है राइटर के, इटली की लड़की मेरे साथ थी, हम लेह गए थे, तो वहाँ पर वो बोलने लगी कि आप लेह के बारे में क्या जानते हो, क्या सोचते हो। बोलता है राइटर ने बोला, आई एम फैसिनेटेड, तो मुझे बड़ा मज़ा आया, फैसिनेटेड मतलब मज़ा आना, चार्मिंग, आई फील चार्मिंग। तो बोलता है यू आर फैसिनेटेड, हाउ स्टूपिड, देयर इज नथिंग लेफ्ट इन लेह। ये बोलती है कौन, इटालियन गर्ल बोलती है, यहाँ पे कुछ नहीं रखा है इस लेह में, आप कैसे अच्छे, आप कैसे बेवकूफ़ हैं, हाउ स्टूपिड, यहाँ पे लेह में कुछ है ही नहीं अच्छा। अब बोलता है एंड्रयू हार्वे, बोलता है लेह डज हैव चार्म, देयर इज नथिंग वट एवर टू डू, दैट इज लेहस चार्म, there is nothing to do but to slow down, relax, to become one vast transparent eye। यहाँ पे एंड्रयू हार्वे बोलता है लेह में जो है यहाँ यहाँ मज़ा आता है, यहाँ कुछ करने के लिए है ही नहीं, चुप करके बैठना है, रिलैक्स करना है, यही जो है लेह का मज़ा है, और ट्रांसपेरेंट आई से देखना है हमने इस लेह को। यहाँ पे कोई बगदड़ नहीं, कोई मटेरियलिस्टिक थिंग नहीं, कोई गाड़ियाँ नहीं, कोई हसल एंड बसल नहीं, कोई इंडस्ट्री नहीं, यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी है, तो इसको देखना है आराम से, ट्रांसपेरेंट आई से, मतलब क्लीन आई से देखना है। नेक्स्ट, द सोल्डेस्ट जॉय ऑफ लेह इज सीइंग इट्स पैलेस फ्रॉम एवरी एंगल एंड इन एवरी लाइट फ्रॉम बिलो एज इट स्टैंड्स इन द फुल डेजर्ट ऑफ द मॉर्निंग। दूसरी बात बोलता है एंड्रयू हार्वे उस इटालियन गर्ल को, बोलता है ये अच्छी जो जॉय है, जो मज़ा है, जो खुशी आती है लेह में, वो आती है इन लेह में जो पैलेस हैं, जो इमारतें हैं बड़ी बड़ी, उनको देख के, उन इमारतों को हर एंगल से आप देखो तो क्या मज़ा आता है, कैसे वो इमारतें चमकती हैं, जब आप सुबह देखोगे, जब सनराइजिंग के टाइम पे देखोगे, डैजल मतलब चमकना, जब आप उनको सनराइजिंग के टाइम पे देखोगे तो वो बहुत अच्छी चमकती हैं, बहुत अच्छा लगता है। फ्रॉम द साइड इन द आफ्टरनून, फ्रॉम द रूफ ऑफ द होटल, एज वन ऑफ द शीर साइड इग्नाइट्स स्लोली इन द डस्ट, फ्रॉम बिहाइंड ऑन द रोड टू लेफ्ट फ्रॉम संकर एज इट रियर्स गैसली इन द मूनलाइट, हार्डली डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द मैसी डार्क रॉक इट इज बिल्ट ऑन। अच्छी तरह समझिए इस पैराग्राफ को, बोलते हैं हर साइड से अगर हम इस लेह को देखेंगे, मून लाइट, जब मून चमकता है रात को, उस टाइम अगर इस होटल्स को देखेंगे, इस पैलेस को देखेंगे, इन पैलेसेस को देखेंगे जो लेह में है, ये बहुत चमकते हैं, इग्नाइट भी होता है चमकना, जैसे डेजल होता है चमकना, इग्नाइट भी होता है चमकना, और जो शाम को देखेंगे तब भी ये चमक, दस मतलब अंधेरे अंधेरे में देखेंगे तब भी चमकता है, और वहाँ पर क्या है, शंकर का टेम्पल है, तो एक स्टूपा जो है शंकर का वहाँ पर होता है, उस के साथ अगर हम जाएंगे वो मून लाइट वहाँ पर चमकती है, और जो बड़े बड़े रॉक्स हैं, बड़े बड़े पत्थर जो हैं वहाँ पे, वो भी चमकते हैं, रॉक्स मतलब पत्थर। हमने क्या पढ़ा यहाँ पे लैब में क्या क्या है, बड़े बड़े पैलेसेस हैं वो भी चमकते हैं, बड़े बड़े जो ये रॉक्स हैं वो भी चमकते हैं, उससे लेह जो है बहुत अच्छा दिखता है, और क्या है यहाँ पे कुछ करने के लिए है ही नहीं, यहाँ पे वही मज़ा है कि आराम से बंदा क्या करता है, रिलैक्स करता है। नेक्स्ट जो है, यू आर हैगलिंग फॉर वेजिटेबल्स इन द मार्केट एट सनडाउन,
एंड सडनली यू लुक अप एंड सी द लास्ट सन कैच द टॉप ऑफ वन ऑफ इट्स बल्कनीज. यू आर टॉकिंग टू अ फ्रेंड इन द इवनिंग वॉकिंग अप द मैन स्ट्रीट एंड एज यू टॉक टू यू एंड एज यू टॉक यू सी दैट द मून हैज राइजन अबोव द पैलेस. यहाँ तक हम पढ़ेंगे. बोलता है अगर आप लह को देखेंगे, वहाँ ऊपर पहाड़ी से लह को देखेंगे, लह में क्या है कि लोग वेजिटेबल्स के लिए हैगलिंग करते हैं. हैगलिंग मतलब जो हैगलिंग जो मतलब चीज़ लेते हैं हम, तो हम कम या ज़्यादा प्राइस करते हैं दुकानदार के साथ. जैसे 100 रुपये की चीज़ हो, हम बोलेंगे नहीं हम देंगे 80 रुपये, वो बोलेगा नहीं 100 रुपये ही लगेगा, बाद में वो 80 रुपये पे आ जाता है. तो इसका मतलब ये हैगलिंग करना होता है. तो वहाँ पे बोलता है कि लैब में हम देख सकते हैं कि वहाँ पे लोग जो है ऊपर से देख सकते हैं पहाड़ी से कि वहाँ लोग हैगलिंग करते हैं, शॉपिंग करते हैं, वेजिटेबल्स खरीदते हैं, और कुछ लोग जो है अपने बिल्डिंग के बाहर बालकनीज में निकलते हैं वहाँ पे देखते हैं, कुछ लोग जो है स्ट्रीट्स पे होते हैं, कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं. तो मून लाइट में हम देखते हैं पैलेसेस भी बड़े अच्छे चमकते हैं. जब मून की लाइट मतलब चांद की रोशनी जब वो पैलेसेस पे पड़ती है तो वो दिखते हैं. किस तरह दिखते हैं? बी वियरिंग इट लाइक ए वास्ट एरिंग यू टर्न ए कॉर्नर ऑफ वन ऑफ लेस इनम्यूरेबल लिबर्टाइन स्ट्रीट्स एंड फॉर अ मोमेंट ए होल फ्लैंक ऑफ द पैलेस स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ यू. बोलता है कि जब हम उन पैलेसेस को देखेंगे, बहुत अच्छे लगते हैं वो पैलेसेस, वो बहुत चमकते रहते हैं, वो चमकते हैं जब मून लाइट में देखेंगे, बहुत अच्छे चमकते हैं. तो वो जो जो लह है वो सराउंड है, मतलब किस उसके इर्द गिर्द क्या है, लह के इर्द गिर्द पहाड़ियाँ हैं, माउंटेन्स हैं. वो कौन से माउंटेन्स हैं? बेयर स्टॉक माउंटेन्स. बेयर स्टॉक माउंटेन्स यहाँ का मतलब कि वो माउंटेन्स जिसमें बड़े बड़े दरख्त नहीं हैं, छोटे छोटे दरख्त बुशेज हैं वहाँ पे, क्योंकि लह में बड़े बड़े दरख्त नहीं होते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है. तो यहाँ पे राइटर बोलता है उन माउंटेन से हम जब देखेंगे लह को, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है. तो उसके बाद बोलता है राइटर, द क्वीन एंड हर फैमिली नाउ लिव इन द स्मॉलर पैलेस एट स्टॉक 10 miles अवे. द पैलेस ऑफ लह इज एम्प्टी एंड क्रम्बलिंग. अब ये बात करता है एक क्वीन की, एक रानी की. बोलता है ये एक रानी है वहाँ पे, वो क्वीन और उसकी फैमिली अब कहाँ रहते हैं? एक छोटे पैलेस में रहते हैं, स्मॉलर पैलेस मतलब छोटे पैलेस में रहते हैं, 10 miles अवे, 10 miles अवे जो है पहले ओल्ड पैलेस से, पहले एक पैलेस में रहते हैं उसके दूर 10 miles जो है उसके दूर दूसरा पैलेस है वहाँ पे रहते हैं. जो पहला पैलेस है उनका जब जो हाँ वो पहले रहते थे वो अब टूट रहा है, क्रम्बलिंग मतलब टूट रहा है और खाली है. ठीक है, When you walk through its large vacant rooms, fat tame mice come out of the dark corners to be fed. बोलता है राइटर, बोलता है कि जब आप उस ओल्ड पैलेस में जाएंगे जहाँ वो रहती थी, वो क्वीन पहले रहती थी, रानी पहले रहती थी, तो आप अगर उसमें जाओगे तो वो खाली है, वो पैलेस खाली पड़ा है, वैकेंट रूम्स, खाली रूम्स हैं वहाँ पे. तो फैट टैम माइस बोलते हैं मोटे मोटे पालतू जो चूहे हैं वो उस रूम से निकले आते हैं. जैसे बंदा अंदर जाएगा वैसे ही वो आते हैं, आदमी की तरफ आते हैं और कोने से निकल के आते हैं. वो सोचते हैं कि ये बंदा हमें कुछ खिलाने के लिए आएगा, क्योंकि वो वहाँ पे बहुत भूखे हैं. क्यों भूखे हैं? वहाँ पे कोई रहता ही नहीं है, कोई इंसान, कोई खाना उनको देने के लिए रहता ही नहीं है, इसलिए वो भूखे हैं. अब नेक्स्ट पढ़ेंगे पैराग्राफ, On the way to stock, there is a suspension bridge that spans the Indus from a distance. It looks like a circus tent. It is so covered with prayer flags of every color. बोलता है राइटर, बोलता है कि अगर हम कहाँ जाएं, स्टॉक की तरफ जाएं, स्टॉक एक जगह है जहाँ वो रहती है कौन, रानी, वहाँ जाएं तो रास्ते में एक सस्पेंशन ब्रिज आता है. सस्पेंशन ब्रिज आता है कुछ डिस्टेंस में जो है आता है वो सस्पेंशन ब्रिज. ठीक है, इट लुक्स लाइक ए सर्कस. वो ब्रिज जो है किसकी तरह दिखता है? सर्कस की तरह दिखता है. सर्कस मतलब जहाँ पर डांस शांस वगैरह होता है. नहीं, इट इज सो कवर्ड कवर्ड विद प्रेयर फ्लैग्स ऑफ एवरी कलर. वो जो सस्पेंशन ब्रिज है, ब्रिज मतलब पुल, पुल टाइप का, कदल टाइप का, तो वो जो है किसे कवर है? प्रेयर फ्लैग्स. वहाँ पे फ्लैग्स जो है मतलब एक श्राइन टाइप का है, एक रिलीजियस जो है वो लगता है. वहाँ पे फ्लैग्स हैं, वहाँ पे फ्लैग से उड़े हुए हैं, झंडू से उड़ा हुआ है, कपड़ों से उड़ा हुआ है वो कौन? सस्पेंशन ब्रिज. बोलता है आई एम सिटिंग ऑन द नेक्स्ट सीट टू द ड्राइवर,
यंग लद्दाखी एंड आई आस्क हिम व्हाई आर देयर सो मेनी प्रेयर फ्लैग्स। अच्छी तरह समझिए, इसका क्वेश्चन भी आपको मिलेगा आगे। बोलता है कि राइटर बोलता है मैं बैठा हूँ किसके साथ, ड्राइवर के साथ। कहाँ जा रहे हैं, लद्दाख में घूम रहे हैं, तो स्टॉक की तरफ जा रहे हैं वो अब, ठीक है, उस रानी की तरफ जहाँ वो रानी रहती थी पैलेस में, उसकी तरफ जा रहा है। तो बोलता है कि मैं लद्दाखी ड्राइवर था तो उसके साथ में बैठा था, मैंने उससे पूछा, उस लद्दाखी ड्राइवर से, कि यहाँ इस प्रेयर फ्लैग्स का क्या मकसद है, यहाँ पे प्रेयर फ्लैग्स क्यों हैं, ब्रिज है ठीक है, ब्रिज है ठीक है, ब्रिज होना चाहिए, पुल होना चाहिए, बट प्रेयर फ्लैग्स क्यों हैं यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन पूछा उसने किससे, लद्दाखी ड्राइवर से। तो बोलता है ही लुक्स एट मी एज इफ आई एम मैड, इफ देयर वर नो प्रेयर फ्लैग्स द रिवर वुड गेट एंग्री। बोलने लगा वो उस मेरी तरफ देखा, कौन राइटर बोलता है, वो ड्राइवर मेरी तरफ देखा, उस गाड़ी में बैठे थे हम, तो वो देखा, बोला क्या, बोला इस तरह देखा कि जैसे कि मैं पागल हूँ, इस तरह का क्वेश्चन पूछा मैंने, इरिटेट जैसे हो गया कि मैंने ऐसा क्वेश्चन कैसे पूछा, इसका आंसर जो ओबियस है। बोलता है ड्राइवर, बोलने लगा मुझे अगर यहाँ पे प्रेयर फ्लैग्स नहीं होंगे तो ये इंडस रिवर जो है, जो इंडस रिवर है, दरिया है, ये गुस्सा करेगा अगर यहाँ पे प्रेयर फ्लैग्स नहीं होंगे। बड़ी अजीब बात है भाई। देन ही एड्स, फिर ये वो बोलने लगा ड्राइवर, द ब्रिज इज नियरली एट द मिडल ऑफ द वैली, द विंड देयर इज वेरी स्ट्रांग, द प्रेयर्स कैन बी कैरी डाउन द विंड ऑन द बैक ऑफ द रिवर ऑल ओवर दिस कंट्री। अब फिर ड्राइवर उसको समझाने लगा, एंड्रियो हार्वे को, बोलने लगा ये ब्रिज जो है ये कहाँ पे है, वैली के बीच में है, लद्दाख वैली के बीच में है, तो यहाँ पे विंड हवा जो है स्ट्रांग हवा चलती है, तो प्रेयर फ्लैग्स क्या करते हैं, उन हवाओं को क्या करते हैं, उनको टच करते हैं, मतलब हवा जो है प्रेयर फ्लैग्स को टच होके उड़ते हैं, चलते हैं, फिर जो हवा चलती है वहाँ से, वो हवा पूरे दुनिया में फैलती है, ठीक है, वो हवा पूरे दुनिया में फैलती है, तो वो पवित्र हवा है, पवित्र मतलब पाक हवा है, तो वो पवित्र हवा पूरे दुनिया को पाक कर लेती है, पूरे कंट्री को पाक कर लेती है, कंट्री की बात यहाँ पे है, पूरे कंट्री को पाक कर लेती है, इसलिए यहाँ पे प्रेयर फ्लैग्स हमने रखे हैं, ताकि यहाँ से जो हवा जाए वो पाक हवा, यहाँ से इस फ्लैग्स को जो है टच करके हवा जाए तो पूरे दुनिया को पाक कर ले, तभी यहाँ पे जो है प्रेयर फ्लैग्स इधर रखे हैं इंडस रिवर पे। ये कौन किसको बोलने लगा, ये बोल रहा है कौन, ड्राइवर बोल रहा है, लद्दाखी ड्राइवर बोल रहा है किसको, एंड्रयू हार्वे को। अब थोड़ा सा आराम, थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इट इज सच अ फेस्टिव एंड एग्जुबरेंट जेस्चर कवरिंग द स्टील लाइंस ऑफ द ब्रिज एंड स्कार्व्स एंड मंत्रास एंड होली ड्रैगन्स एंड आई वॉन्ट टू सिंग। बोलता है यहाँ पे जो है अलग तरह की चीज़ें उसको दिखी, किसको, राइटर को, अलग अलग तरह की चीज़ें दिखी, ब्रिज दिखा वहाँ पे, ड्रैगन्स दिखे वहाँ पे, ठीक है, अलग अलग चीज़ें वहाँ पे, मंत्रास दिखे, मतलब वहाँ पे बुद्धिस्ट लोग ज़्यादा रहते हैं तो उस तरह की उनकी रिलीजियस चीज़ें वहाँ पे उस राइटर को दिखे। बोलता है एज द बस क्रॉसिस द ब्रिज द प्रेयर फ्लैग्स फ्लैप अगेंस्ट इट, द ड्राइवर टर्न्स टू मी एंड स्माइल्स। बोलता है जैसे ही हम जो उस ब्रिज को क्रॉस करने लगे, जो प्रेयर फ्लैग्स है वो फड़फड़ाने लगे वहाँ पे, हवा चल रही थी तो फ्लैग्स तो फड़फड़ाते, ब्रिज के साथ मतलब लटकाए हुए थे, वो फड़फड़ाने लगे, तो ड्राइवर बोलता है, राइटर ड्राइवर मेरी तरफ देखने लगा और स्माइल करने लगा, मुस्कराने लगा। बोलता है एवरी टाइम आई क्रॉस दिस ब्रिज आई से माई प्रेयर्स, इट इज होली दिस ब्रिज। अब ड्राइवर बोलने लगा राइटर को कि हर टाइम जब भी मैं प्रेयर जो ये ब्रिज क्रॉस करता हूँ तो मैं प्रे करता हूँ, मैं दुआ मांगता हूँ, और जो ये ब्रिज जो है ये होली मतलब पाक है। How old is this bridge? ये बोलने लगा कौन, राइटर पूछने लगा किसको, लद्दाखी ड्राइवर को। तो अब जो है ये बोलने लगा he does not know, वो नहीं जानता था कितना जो है कितना पुराना है। It is as if it has always been there till the stupas like the small wayside shrine. तो बोलता है राइटर वो ब्रिज जो बहुत समय से वहाँ पे था, जब से वो स्टूपास, स्टूपास मतलब जो बुद्धिस्ट के वो मंदिर जैसे होते हैं, स्टूपास उनको बोलते हैं, जैसे हिंदूज के मंदिर, मुस्लिम्स के मस्जिद होते हैं, तो इसी तरह बुद्धिस्ट के स्टूपास होते हैं, तो वहाँ पे जो श्राइन जो है वो बहुत पहले से वहाँ पे प्रेयर फ्लैग्स हैं, जब से वहाँ पे स्टूपास हैं। द स्पिरिट ऑफ लद्दाख हैज़ चेंज्ड इनटू श्राइन एन ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप। बोलता है जो लद्दाख के लोगों ने, लद्दाख की जो लद्दाख की जनता ने क्या किया है, इस जो उन प्रेयर फ्लैग्स को, उन ब्रिज को क्या बना दिया है, एक ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप बना दिया, वर्शिप मतलब इबादत गाह,
जहाँ पे वो इबादत करते हैं, जहाँ पर वो मतलब पूजते हैं उस चीज़ को, किसको, उन प्रेयर फ्लैग्स को, उस ब्रिज को पूजते हैं, ठीक है, कौन, लद्दाख के लोग। डज द ब्रिज हैव इट्स गार्डियन बुद्धा, ये पूछने लगा कौन, ये एंड्रियो हार्वे पूछने लगा उस ड्राइवर से कि ये जो ब्रिज है इसका गार्डियन कौन है, बुद्धा है, मतलब क्या बुद्धा को पूछते हैं ये, मतलब इसको पूछते हैं कि किसको खुश करने के लिए पूछते हैं, बुद्धा को खुश करने के लिए पूछते हैं, इस तरह का क्वेश्चन पूछने लगा। बोलते द ड्राइवर स्माइल्ड एंड डिड नॉट आंसर, बोलता है ड्राइवर मेरी तरफ देखा और उसने मुस्कुराया और आंसर नहीं दिया, उस चीज़ का, उस चीज़ का आंसर उसके पास नहीं था और नहीं दिया। नेक्स्ट जो है, आई हैव कम टू स्टॉक टू सी द पैलेस ऑफ द रानी ऑफ स्टॉक, बट एज ऑन एज आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ इट्स आई डू नॉट वॉन्ट टू गो इन। बोलता है जब वो स्टॉक पे पहुंचा, स्टॉक क्यों जा रहा था भाई, वो जा रहा था, हमने पढ़ा कि वो रानी के पैलेस की तरफ जा रहा था, रानी के पैलेस की तरफ। तो जैसे ही वो रानी के पैलेस की तरफ गया, जैसे ही वो वहाँ पे गया, उस पैलेस के सामने खड़ा हुआ, तो वो नहीं चाह, उसने नहीं चाहा कि एंड्रयू हार्वे ने नहीं चाहा कि मैं इसके अंदर जाऊँ, उसके अंदर नहीं गया। टू बी आउट हेयर इन दिस लाइट विद ऑल द डे बिफोर मी एंड टू गो into those of small rooms, I want to walk up the trail in the mountains, to be alone with mountains and summer streams in the valley. I walked all day higher and higher into the mountains. बोलता है अगर वो इसलिए उस पैलेस के अंदर नहीं गया, सोचता है कि मैं आया ही हूँ लेह में, अब मैं इनको माउंटेन्स की तरफ चक्कर लगाऊँ, माउंटेन्स की तरफ घूमूँ और इन रॉक्स की तरफ घूमूँ, वहाँ पे नेचुरल ब्यूटी देखूँ, तो अब मैंने जाना ही है इस पैलेस में, तो बाद में पहले घूम के आ जाऊँ फिर जो है इस पैलेस के अंदर जाऊँ, ये राइटर बोलने लगा। तो ये राइटर सोचने लगा, अब वो चाहता है कि माउंटेन्स की तरफ जाऊं, नेचुरल ब्यूटी को देखूं, जो समर स्ट्रीम्स है, स्ट्रीम्स लहरें जो है वहाँ पे जो नदियाँ हैं, नदियाँ उनकी तरफ जाऊं, उस लद्दाख की वैली को इन्जॉय करूं, जो वहाँ पे नेचुरल ब्यूटी है, वहाँ पे कुदरती जो नज़ारा है वो लह का वो देखूं। और बोलता है बाद में मैं गया और वॉक किया, मैंने कहाँ पे वॉक किया, माउंटेन्स पे, हायर एंड हायर माउंटेन, ऊपर ऊपर माउंटेन, लद्दाख के माउंटेन्स के ऊपर गया मैं और वहाँ पे मैंने देखा। जो इसका अगला पार्ट है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को, नेक्स्ट वीडियो को देखिएगा। अभी नेक्स्ट पार्ट जो है वो आई बटन पे आपको मिलेगा, उस पर क्लिक करो तो नेक्स्ट वीडियो भी देख लो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपको अच्छी लगी ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो मैंने बोला था, आप विशाल बाबू का चैनल सब्सक्राइब करें जेके बोस इन्फॉर्मेशन के लिए, वो ज़रूर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।